हेलो गाइस, संजय हियर एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ जियो सिम कार्ड वीडियो। एंड ये वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस जो थे जो फर्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए थे वो सब आंसर करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब सब लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस भी आंसर करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, जो है मुझे गेट जियो सिम कार्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है अभी, डायरेक्ट अपडेट के लिए पूछ रहा है जिसके वजह से मेरा कोड जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल बराबर डाउट है, एंड इसके लिए आपको जो एपीके यूज करना है वो मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। मैंने फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दिया था लेकिन कुछ लोगों ने वो देखा नहीं, शायद उसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो एप्लीकेशन जो है वही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, इंस्टॉल ऑल एप्लीकेशन करना है, और अगर वो आपको बोले कि अपडेट करना है एप्लीकेशन करके माई जियो एप्लीकेशन तो बिल्कुल अपडेट नहीं करना है हम लोग को। और जैसे ही सब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएंगे वाईफाई बंद कर देना है और एप्लीकेशन भी रिमूव कर देना है टास्क मैनेजर से, और उसके बाद माई जियो ऐप वापस ओपन करना है। एंड दिस टाइम यू विल गेट सम ऑप्शन लाइक गेट जियो सिम, एंड अभी ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम लोग ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग को दिखाएगा कि नो इंटरनेट कनेक्टिव बिकॉज वाईफाई बंद करके रखा है, और अभी एक बार बैक बटन दबाना है और ये स्क्रीन पे आके रुक जाना है जिसपे दिखेगा गेट जियो सिम साइन इन और साइन अप, और वाईफाई चालू कर देना है। और जैसे ही वाईफाई चालू हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट को, तुरंत गेट जियो सिम पे दबाना है। अगर आपको 5 सेकंड 2 सेकंड भी देरी हो गई तो वो अपडेट का पॉपअप देगा जिसके वजह से फिर आपको अपडेट करना कंपलसरी हो जाएगा, या फिर आपको फिर से सेटिंग में जाके माई जियो एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करना है सेटिंग्स में से, और वापस आपको सेम चीज ट्राई करना है, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करना है। और एंड आप जैसे कि इधर देख सकते हो मैंने MI3 पे अभी आज के आज 1 घंटे पहले ट्राई किया और वो बिल्कुल चला, मुझे बहुत मतलब फास्ट करना पड़ा, 2-3 अटेम्प्ट लगे मुझे इस ये करने के लिए, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ अपडेट का पॉपअप आ रहा है तो क्लियर डेटा करना है वापस उधर से करना है। और इसके बाद सेकेंड डाउट है कि मुझे 2GB डेटा ही मिला है, मैं कभी क्या करूँ, 2GB मेरा खत्म हो जाएगा मेरा जियो का। वैसे तो ये फ्री में मिला है तो 2GB डेटा और 100 मिनट फ्री लाइक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको वो एरर आ रहा है तो इसके लिए आपके पास 2 मेथड है। एक तो मेथड है जो सौरभ नहार ने बनाया, मेरा फ्रेंड सौरभ नहार फ्रॉम ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना, जिसके वजह से अगर आपका सेकंड मेथड जो मैं अभी बताने वाला हूं उससे वर्क नहीं हुआ तो आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे ही आप माई जियो का एप्लीकेशन खोलोगे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, साइन इन साइन अप और स्किप। अगर आप स्किप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो साइन इन कर देगा आपके जियो का नंबर यूज करके, क्योंकि वो फोन में जियो का सिम कार्ड ऑलरेडी है, और जिसके वजह से आपको फिर 2GB का लिमिट दिखाएगा और 100 मिनट्स का लिमिटेशन दिखाएगा। अभी हम लोग को तो अनलिमिटेड चाहिए, तो क्या करना है, अगर आपने पहले से ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, नया लेटेस्ट वाला एपीके जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी एपीके डाउनलोड करो। एंड दिस टाइम स्किप का बटन नहीं दबाना है हम लोग को दबाना है साइन अप का बटन। साइन अप का बटन जैसे ही दबाएंगे हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन आएंगे अभी वो फिल करने, जैसे कि नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और ईमेल आईडी डालना है, तो ये तीनों चीजें डाल देना है, री एंटर पासवर्ड जो भी है वो भी डालना है एंड साइन अप कर देना है। एंड जैसे ही आप साइन अप करोगे वो ईमेल आईडी से आपको आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में जाना है जिधर से आपको आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वो ईमेल आईडी वेरीफाई कर दोगे आप अपने फोन से वापस जियो के इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ, एंड जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको 2-3 सेकंड रुकना है और ये ऐसा पॉपअप आएगा जिसका मतलब है आप अनलिमिटेड डेटा आपको अभी मिलने वाला है इसका मतलब। तो अभी सबमिट का बटन दबाना है इधर, एंड जैसे ही सबमिट का बटन दबाओगे आप जैसे कि देख सकते हो अनलिमिटेड डेटा हो गया है, जो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए तो लोग बहुत पागल हो गए थे मेरे ऊपर कि 2GB मिल रहा है, क्या करें, और मुझे भी सॉल्यूशन पता नहीं था क्योंकि मेरे पास जियो का सिम कार्ड नहीं था, लेकिन सौरभ के पास सिम कार्ड है और उसने 2GB डेटा एग्जॉस्ट कर दिया था। तो 2GB डेटा अगर आपका एग्जॉस्ट हो गया है तो सौरभ ने क्या किया कि कस्टमर केयर को कॉल किया था, और कस्टमर केयर वालों ने बोला कि अगर आपको एक्टिवेट करना है आपका अनलिमिटेड प्लान तो आपको कंपलसरी जियो का वाईफाई हॉटस्पॉट ही यूज करना पड़ेगा। तो फिर वो मेरे घर पे आ गया क्योंकि मेरे पास दूसरा और एक जियो का सिम कार्ड है, तो उसका हॉटस्पॉट यूज करके उसने उसके फोन पे सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड किए, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको साइन अप करना है, जैसे ही साइन अप करोगे बिल्कुल चल जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। तो अगर आपका 2GB डेटा एग्जॉस्ट हो गया है तो आपको जियो का हॉटस्पॉट लगेगा, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास जियो का सिम कार्ड है तो उसका हॉटस्पॉट यूज करिएगा, और अगर नहीं है तो मेरा पहला वाला मेथड ट्राई करके देखना, अगर वर्क हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो जियो का सिम कार्ड ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट। सो ये तो थे बेसिक डाउट्स जो जियो के सिम कार्ड से रिलेटेड है, कैसे लेना है और कैसे एक्टिवेट करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो है कि विल दिस वर्क ऑन माई फोन, लाइक मोटो G3 है चलेगा, मोटो G4 प्लस है चलेगा क्या, रेडमी नोट 3 है, लिनोवो वाइब एक्स 3 है, जो भी फोन है चलेगा या नहीं चलेगा, ये बहुत ही बड़ा डाउट है।
एंड मैंने ये बहुत सारे फोन्स में ट्राई किया। मेरे पास अभी 6 फोन है, तो मैंने 6 फोन में ट्राई किया, उसमें से 2 फोन जो है MI 3 और Moto E, ये दोनों फोन्स 4G सपोर्टेड नहीं है, ये दोनों फोन्स में बस 3G है। तो ये फोन्स में मैंने जब भी सिम कार्ड डाला, सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ, मुझे डेटा भी नहीं मिला और कॉल्स भी नहीं लग रहे थे क्योंकि सिम कार्ड ही एक्टिवेट नहीं हुआ था। एंड ये जियो सिम कार्ड 3G फोन्स में नहीं चल रहा है एज ऑफ जुलाई 2016। मे बी जब वो ऑफिशियली लॉन्च कर दे अगस्त 15 को या फिर जब भी लॉन्च करेंगे 3G फोन्स में मे बी चल सकता है, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो नहीं चल रहा है। अगर बाद में चलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फर्स्ट लाइन अगर 3G फोन्स में चल रहा है तो फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही होगी कि 3G फोन्स में वर्क हो रहा है। तो अगर आप ये वीडियो 1 महीने बाद 2 महीने बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड इसके बाद और एक डाउट है कि मेरे डिवाइस में 4G तो है लेकिन VoLTE नहीं है, तो चलेगा क्या? तो यस, बिल्कुल चलेगा। आपका डिवाइस अगर सिर्फ 4G एनेबल्ड भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मेरे पास यूरिका है जिसमें 4G तो है लेकिन VoLTE नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जैसे ही मैंने सिम कार्ड इसमें डाला था तो मुझे जियो का मैसेज आया कि आप 4G तो है आपके इसमें लेकिन आप कॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि VoLTE नहीं है। तो अगर आपको कॉल्स करना नेसेसरी है, और ऑब्वियसली नेसेसरी है क्योंकि अनलिमिटेड कॉल्स है तो कितना भी कॉल्स करिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आपको जियो ज्वाइन ऐप ही यूज करना है। अगर आप जियो ज्वाइन ऐप यूज करेंगे आपके 4G एनेबल डिवाइस पे तो आप जो नंबर को चाहे वो नंबर को कॉल लगा सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज, लाइक बिल्कुल मक्खन जैसा चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपके डिवाइस में 4G भी है और VoLTE भी है तो एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कौन सा भी एप्लीकेशन यूज करो कॉल करने के लिए बिल्कुल चलेगा विदाउट एनी इश्यूज। और एक डाउट मुझे पूछा गया था कि ये 3 महीने के लिए तो फ्री है लेकिन दिसंबर तक चलेगा या नहीं चलेगा, तो मेरे हिसाब से तो अभी जो रूमर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जियो सिम कार्ड अगस्त या सितंबर तक लॉन्च हो जाना चाहिए। तो अगर वो ऑफिशियली लॉन्च हो गया तो 3 महीने बाद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत सस्ता और अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो मुझे तो पता नहीं पक्का कि कब तक फ्री वाला चलेगा, लेकिन 3 महीना तो पक्का फ्री में अनलिमिटेड 4G डेटा कॉल्स SMS जो भी है सब अनलिमिटेड चलेगा, तो 3 महीना यूज करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी WhatsApp पे तो क्या पता कितने ग्रुप होते हैं, 2-4 ग्रुप में डाल दीजिएगा क्योंकि आप भी 4G यूज कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स भी 4G यूज कर सकते हैं इसके वजह से, तो वो करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स सी इफ वी कैन रीच 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। एंड और एक डाउट था कि मैंने बारकोड तो जनरेट कर लिया है लेकिन अभी फिर मैं जब जियो के सेंटर में जाता हूँ या फिर रिलायंस डिजिटल स्टोर में जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि सैमसंग का फोन तो नहीं है आपके पास, तो कैसे हो सकता है? तो जो लोग के पास Redmi Note 3 है उनके लिए गुड न्यूज है कि मैं अभी रिलायंस के स्टोर में गया था तो वो लोग ने बोला कि Redmi Note 3 को ऑफिशियली अवेलेबल है, विच इज अ गुड थिंग आई गेस। एंड दैट्स व्हाई इफ यू हैव Redmi Note 3 गो अहेड एंड डू इट लाइक नॉर्मली, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग और यू डोंट हैव टू लाई फॉर द सिम कार्ड। बट अगर आपके पास सैमसंग का फोन नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो जिसमें जिन लोगों ने जियो का सिम कार्ड ले लिया है और जिन लोगों के पास सैमसंग का फोन नहीं था वो लोगों ने क्या किया वो जरूर बताएंगे, और अगर आप उसमें से एक हो तो आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप वो पढ़ के जियो का सिम कार्ड ले सकते हो। अगर आपके फ्रेंड के पास S6 है, S7 है, A5, A7 है तो आप वो फोन लेके जा सकते हो डिजिटल स्टोर में और उससे सिम कार्ड ले सकते हो। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, क्या ये सिम कार्ड सभी फोन में चलेगा? तो एक सेकंड रुकिए, तो मैं अभी जो सिम कार्ड यूज कर रहा हूँ वो ये Elite 2 में यूज कर रहा हूँ, और मैंने जो कोड जनरेट किया था वो मेरे सैमसंग फोन से किया था क्योंकि मेरे पास सैमसंग फोन था, मेरे फ्रेंड्स के पास और मेरे पास भी सैमसंग के फोन है, तो मैंने वो सैमसंग में जनरेट किया, सैमसंग के इससे जियो का सिम कार्ड लिया, लेकिन मैंने एक्टिवेट Elite 2 पे किया और Elite 2 पे अनलिमिटेड डेटा भी एक्टिवेट हो गया, अनलिमिटेड कॉल्स भी एक्टिवेट हो गया और Elite 2 4G प्लस VoLTE सपोर्टेड है, तो उसमें वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब अच्छे से मक्खन जैसा चल रहा है। तो इस वीडियो का बेसिक सारांश ये है कि आपको 4G एनेबल डिवाइस इज मस्ट टू हैव 4G डेटा एंड टू मेक 4G कॉल्स और टू एनेबल द जियो सिम कार्ड एज ऑफ नाउ। एंड बारकोड वगैरह कैसे जनरेट करनी है वो तो मैंने बोल दिया, एंड बस इतना ही था आई गेस। सो या दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उधर आंसर करने का जरूर ट्राई करूंगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसके वजह से मेरा कोड जनरेट माई जियो ऐप
ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे भी हम और एंड जैसे ही हम लोग एंड जैसे ही हम लोग ये इंटरनेट को तो आप कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो जिसमें जिन लोगों ने